हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। चलिए जल्दी जल्दी से आ जाइए। तो अब आपका टाइम हो गया लिटरेचर क्लास का, जिसमें आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि मैं आज आपको दो मतलब एक चैप्टर और एक पोएम करवाने वाली हूँ। दैट इज रैट ट्रैप एंड सेकेंड वन इज द रोड साइड स्टैंड। तो चलिए जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे क्लास में, ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें। चलो चलो जल्दी जल्दी से आ जाइए। फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, जल्दी से आ जाएंगे सभी बच्चे। रैट ट्रैप चैप्टर करेंगे। अगर आप अपनी फ्लेमिंगो की बुक में देखते हो तो एक लेंथीएस्ट चैप्टर में से एक आता है। विस्टास में टाइगर किंग जैसे बहुत बड़ा एक चैप्टर है, वैसे ही फ्लेमिंगो में जो हमारा रैट ट्रैप चैप्टर है वो एक काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है, और इससे अच्छे खासे क्वेश्चन भी कंप्यूट होकर आते हैं। अभी तो आपके थीम बेस्ड क्वेश्चन हो गए हैं, तो वो भी इससे काफ़ी अच्छे तरीके से आने वाले हैं। तो इसीलिए जैसा मैं हमेशा हर क्लास में बोलती हूँ कि अब रोट लर्निंग से काम नहीं चलेगा, वन शॉट वीडियोस से काम नहीं चलेगा, अब आपको चैप्टर को इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को इन डेप्थ जानना पड़ेगा, ताकि आप और अच्छे तरीके से अपनी बोर्ड्स की तैयारी को कर सको। तो चलिए फटाफट से सभी बच्चे आ जाइए, ताकि हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट कर सके। तो ये चैप्टर है द रैट ट्रैप। रैट और ट्रैप दो वर्ड से ये बनकर मिला है। तो सभी बच्चों को ऑलरेडी पता होगा रैट ट्रैप क्या होता है, जिसके अंदर लोग चूहों को पकड़ते हैं, जिसको आप चूहे दानी बोलते हो, है ना, यही बोलते हो ना। तो इस चैप्टर का बेसिकली थीम क्या है, हाँ इसमें एक पैडलर है जो रैट ट्रैप्स बेचता है, हम कहानी पढ़ेंगे, बट थीम है कि कैसे जैसे एक चूहा चीज़ के टुकड़े को देखकर या एक छोटे से खाने के टुकड़े को देखकर, लालच को देखकर उस ट्रैप में फंस जाता है ना, ऐसे ही हम ह्यूमन बीइंग है, हम भी क्या कर रहे हैं, अगर हमारे को कहीं से थोड़ा सा लालच मिलता है तो हम भी उस ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं और अपनी लाइफ को वहीं पर ही उसी के इर्द गिर्द घुमाने लग जाते हैं। तो ये बेसिकली इस चैप्टर का आपका थीम है। तो चलिए सबसे पहले हम चैप्टर के ऑथर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैकवर्ट वर्मलैंड बॉर्न स्वीडन, नवंबर में इसका जन्म हुआ था, मार्च 6। मैजिक रियलिज्म फिक्शन और चिल्ड्रन बुक्स को ये ज़्यादा लिखते थे, और फ्रेडी का बेरमैन से इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। तो सेल्मा ओटिल्ला लॉविस लेगरलॉफ, ठीक है, सेल्मा लेगरलॉफ भी हम इसको ज़्यादातर बोलते हैं। हेलो रिदिमा, वॉज अ स्वीडिश ऑथर, ये एक स्वीडिश ऑथर है। इन 1909 शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू एवर रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। 1909 में ये एक पहली औरत थी, पहली वुमेन थी जिनको नोबेल प्राइज मिला था, किसके अंदर, लिटरेचर में, अपनी लिटरेचर्स के लिए। इन अप्रिसिएशन ऑफ द लॉफी आइडलिज्म, विविड इमेजिनेशन एंड स्पिरिचुअल परसेप्शंस दैट कैरेक्टराइज हर राइटिंग। और इनके इनका जो कैरेक्टर होता था ना, जैसे एक इंसान जो होता है जब वो लिखता है ना, तो उसकी राइटिंग में कहीं ना कहीं उसके जो खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो दिखाई दे जाते हैं। अब अगर आप भी एक आंसर राइटिंग लिखते हो तो आपकी जो थॉट्स है वो कहीं ना कहीं आपको ही तो डिफाइन कर रहे हैं ना। अगर आप एक चैप्टर पढ़ के भी कुछ लिख रहे हो तो आप अपने थॉट्स को उसके अंदर डाल रहे हो, तो आपके थॉट्स वहाँ पर क्या होते हैं, डिफाइन होते हैं। तो वही चीज़ इनके लिए कही गई है। शी लेटर ऑल्सो बिकम द फर्स्ट फीमेल मेम्बर ऑफ द स्वीडिश अकेडमी, वो बाद में पहली फीमेल मेम्बर बनी थी स्वीडिश अकेडमी की। बॉर्न इन द फॉरेस्टेड कंट्री साइड, फॉरेस्टेड कंट्री साइड स्वीडन में इनका जन्म हुआ था। शी वॉज टोल्ड मैनी ऑफ द क्लासिक स्वीडिश फेरी टेल्स, इन्होंने काफ़ी सारी स्वीडिश फेरी टेल्स लिखी थी, विच शी वुड लेटर यूज एज इंस्पिरेशन हर मैजिक रियलिस्टिक राइटिंग, जिसके को उन्होंने अपनी मैजिक रियलिस्टिक राइटिंग्स में यूज किया था। सिंस शी फॉर सम ऑफ हर अर्ली ईयर्स हैड प्रॉब्लम्स विद हर लेग्स, उसके कुछ जो अर्ली ईयर्स थे उसमें उनके लेग के साथ प्रॉब्लम थी, वो एक फॉल्टी हिप के साथ उनका जन्म हुआ था, उनके लेग में प्रॉब्लम थी। शी वुड ऑल्सो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम रीडिंग बुक्स सच एज बाइबल, उन्होंने अपना जिंदगी का काफ़ी एक लंबा समय बुक्स रीड करने में निकाला था, जैसे कि बाइबल की बुक को। एज अ यंग वूमेन शी वॉज अ टीचर इन साउदर्न पार्ट ऑफ
ऑफ स्वीडन। अगर मैं एक यंग वूमेन के रूप में देखूँ तो उन्होंने 10 साल अपने टीचिंग में दिए थे साउदर्न पार्ट ऑफ स्वीडन में बिफोर हर फर्स्ट नॉवल, अपनी पहली नॉवल गोस्टा बर्लिन सागा पब्लिश होने से पहले। एज हर राइटर करियर प्रोग्रेस शी वुड कीप अप एज अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद सम ऑफ हर फॉर्मर फीमेल कलीग फॉर ऑलमोस्ट हर एंटायर लाइफ, के अपने करी कलीग वगैरह के साथ रहती थी। लेगरलॉफ नेवर मैरिड एंड वॉज ऑलमोस्ट सर्टेनली अ लेस्बियन। तो ये तो उनका एक पर्सनल परस्पेक्टिव इसके अंदर बताया गया है कि उन्होंने कभी शादी नहीं की थी और ये बहुत ज़्यादा र्यूमर्स थे कि वो लेस्बियन थी। शी नेवर ऑफिशियली उन्होंने स्टेट नहीं किया था, बट लेटर ये पता भी लगा था। फॉर मैनी ईयर्स उनकी कॉन्स्टेंट कंपेनियन फेलो राइटर सोफी एल्गिन से। तो ये चीज़ें तो हमें नहीं ज़्यादा इस पर ध्यान देना है, ठीक है। लेगरलॉफ was involved in both women issue as well as politics, मतलब काफ़ी controversial सी इनकी life रही थी कि women issues में भी और कहीं ना कहीं politics में भी ये बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। शी वुड अमंग्स अदर थिंग्स हेल्प द जेविश राइटर नेली सेट्स टू कम टू स्वीडन एंड डोनेट हर नोबल मेडल टू द फिनिश वॉर एफर्ट अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, ठीक है। तो ये था, मतलब कहने का मतलब है आपको ये जानना है कि सेल्मा लेगरलॉफ की मतलब जो थी वो इसकी राइटर थी बेसिकली। तो इफ आई टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स, बिकॉज ये वाला जो चैप्टर है बेटा रेड ट्रैप, इसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स है, तो आपको हर एक का नाम उसके बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। पहला है पैडलर। जो पैडलर था वो कौन था? रैट ट्रैप सेलर था, ये रैट ट्रैप्स बेचता था और पार्ट टाइम चोर था, ये थीफ, रॉबरी करता था, छोटी मोटी चोरियां करता था। एक ओल्ड मैन था क्रॉफ्टर, जो था एक क्रॉफ्टर था जो कि ओल्ड मैन था, वो इस रैट ट्रैपर को क्या देता है? अपने घर में पनाह देता है, तो वो स्टोरी में आप अभी जानोगे। एक मास्टर स्मिथ था रामजंस आयरन मिल स्वीडन का, एक हेल्पर थे मिल के ब्लैक स्मिथ जो था, आयरन मिल ओनर था जिसके घर पर जाकर ये ठहरता है, और एक एडला थी। एडला इज़ अ वेरी स्वीट ब्यूटीफुल गर्ल, एडला विलियम, जो कि आयरन मिल ओनर की क्या थी? बेटी थी, ठीक है। तो दीज आर सम कैरेक्टर्स जो कि जिनके बारे में बेसिकली स्टोरी में बात की गई है। तो अभी आपको कैरेक्टर्स के नाम पता लग गए हैं, तो लेट्स जस्ट गो इनटू द चैप्टर। तो समराइज वे में मैंने यहाँ पर आपको जो नोट्स है वो प्रोवाइड करे हैं, बट जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ वो पूरी ही एक्सप्लेन्ड वे में होने वाली है, ठीक है। द पैडलर लीव्स एज अ ट्रम्प वंडरिंग द रोड्स एंड सेलिंग रैट ट्रैप। तो जो ये चैप्टर है वो शुरू होता है किससे? पैडलर से। तो पैडलर जो था वो जगह जगह जाता था और क्या करता था? अपनी चूहे दानियाँ, वो तार से उसने चूहे दानियाँ बनाई होती थी, छोटी बड़ी हर साइज़ की उसके पास चूहे दानियाँ होती थी, और उनको बेचा करता था। और वो हमेशा अपनी लाइफ से बहुत ही डिसअपॉइंटेड रहता था, और क्योंकि इतना महंगाई का दौर था, इतने से काम से उसका काम नहीं चलता था। कई बार उसकी चूहे दानियाँ बिक जाती थी तो उसका बिजनेस अच्छा हो जाता था, दिन अच्छा हो जाता था, कई बार एक भी नहीं बिकती थी। तो इसीलिए उसको अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए क्या करना पड़ता था? छोटी मोटी चोरियाँ करनी पड़ती थी, मतलब पार्ट टाइम वो चोरी भी किया करता था अपनी लाइफ को चलाने के लिए, ठीक है। ही लाइक्स टू थिंक ऑफ वर्ल्ड एज बिग वन रैट ट्रैप दैट ऑफर्स बेट फॉर पीपल इन द फॉर्म ऑफ लग्जरी एंड प्लेजर एंड देन इंश्योर ensnares them। अब एक दिन क्या होता है, एक दिन वो ना ऐसे जस्ट गुजर रहा होता है, तो बहुत धूप होती है, थक जाता है वो, तो वो वहीं पर ही एक जगह पर बैठ जाता है। तो जब वो बैठता है तो जस्ट उसके माइंड में देयर कम अ थॉट, और वो ऐसे सोचने लग जाता है, अपनी रैट ट्रैप को देखता है, अपने चूहे दानी को देखता है, और उसके माइंड में सबसे पहली बात क्या आती है कि हम लोग क्या है, ये जो पूरी दुनिया है ये एक रैट ट्रैप ही तो है, चूहे का पिंजरा है, मतलब ये एक पिंजरा है जिसमें इस विक्टिशियस सर्कल में हम लोग सब फंसे हुए। लग्जरी है, वेल्थ है, या फिर कोई भी बड़ी बड़ी चीज़ें जो होती है, प्लेजर है, वो हमारे को क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और हम उसके चक्कर में इतना ज़्यादा पागल हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम खुद को तो भूल ही जाते हैं, है ना। आज हर कोई इंसान है, मुझे पता है कि इट इज़ वेरी बेसिक फॉर द लाइफ के कमाना खाना, बट हम लोग
उन सारी चीज़ों में अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो गए हैं कि हम कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा भूल गए हैं, अपने लव्ड वंस को भूल गए हैं। तो वही चीज़ ये जो रैट ट्रैपर होता है वो सोच रहा होता है, और ये सब सोच कर उसको हंसी आ रही होती है इस दुनिया के लोगों के ऊपर। ठीक है, वंस इवनिंग इन लेट दिसंबर, एक बार दिसंबर का टाइम होता है इवनिंग में, पैडलर कम्स टू अ कैबिन एंड आस्क फॉर शेल्टर। तो क्या होता है, जब वो वहाँ पर बैठा होता है ना तो शाम हो जाती है, तब उसे लगता है कि यार यहाँ से घर जाना तो बेकार है, एक काम करता हूँ आज मैं यहीं पर ही कहीं पर ही किसी के घर रह लेता हूँ, पनाह ले लेता हूँ आज रात के लिए। तो वो वहाँ पर जाता है तो ही सॉ अ कॉटेज, वो छोटा सा एक घर देखता है, तो वो सोचता है कि चलो यहीं पर ही पूछते हैं किसी से। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खटखटाता है तो वहाँ पर से एक आदमी आता है और वो उससे मतलब ही आस्क हिम फॉर द हेल्प के क्या मैं आज रात को आपके घर रह सकता हूँ। और वो जो आदमी होता है वो और कोई नहीं होता, वो कौन होता है, क्रॉफ्टर होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। क्रॉफ्टर होता है, ओल्ड मैन, वहाँ पर एक ओल्ड मैन रहता है हु लीव्स देयर, वो वहाँ पर रहता है। अब मान लो एकदम से आपके घर पे कोई आए कि आज रात को मैं तुम्हारे घर पे रुक सकता हूँ और वो अननोन है, तो ऑब्वियसली नॉन फॉर अ फैक्ट आप क्या करोगे, आप उसको बोल दोगे कि नहीं ऐसे मैं अननोन को नहीं। बट वो जो क्रॉफ्टर था, वो ओल्ड मैन, वो इतना ज़्यादा अकेला था कि वो इतना खुश हो जाता है, वो उसको बहुत ही वेलकमिंग वे में अपने घर में बुलाता है, उसको एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देता है, लाइक वो उसको गुड फूड देता है, सपर देता है और टबैको देता है उसको, उससे बहुत सारी बातें करता है, कार्ड्स खेलता है, क्योंकि उसके लिए तो वो उस रात के लिए उसको एक कंपेनियन मिल गया था, क्योंकि उसके वो इतने सालों से इतना अकेला था कि उसके दिल में बहुत सारी बातें थी जिसके लिए उसको एक दोस्त कह लो या एक कंपेनियन चाहिए था, और जो रैट ट्रैपर था वो कहीं ना कहीं उस रूप में उसको मिल गया था। तो वो ओल्ड मैन जो होता है वो उस दिन बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसको बहुत ही वेलकमिंग वे में अपने घर में बुलाता है, ऑफरिंग फूड, वो उसको खाना देता है, टबैको देता है और कन्वर्जेशन, उससे बातें करता है। ही शोज पैडलर 30 कॉर्नर, और वो इतना ज़्यादा मतलब कहते हैं ना एक साफ दिल का, एक नेक दिल का इतना आदमी होता है कि जब वो उससे बातें कर रहा होता है ना, उसके मन में एक भी बार ये बात नहीं आती है कि ये एक अनजान है, वो उससे ऐसे बातें कर रहा होता है जैसे कि ये तो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। तो वो उसको सब कुछ बताता है कि मैं एक ओल्ड मैन हूँ, मैं तो यहाँ पर बहुत मतलब टाइम से रह रहा हूँ, मेरे कोई है नहीं, मेरे पास तो मेरे पास एक छोटी सी मतलब एक गाय है और उसी का दूध निकाल कर उसको मार्केट में बेच के ही मैं पैसे कमाता हूँ, और मैं इतना कमा लेता हूँ कि मेरी खुद की ज़िंदगी अच्छी चल जाती है। और आज जब तुम मेरे घर में आए हो ना तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिली है क्योंकि आई डोंट हैव एनीवन टू टॉक, और आज मैं तुमसे दिल खोल के बातें कर पा रहा हूँ, रोज़ तो मुझे बैठ के अकेले खाना खाना पड़ता है और आज मेरे पास तुम हो तो हम लोग साथ में खाना खा पा रहे हैं, चलो तंबाकू पीते हैं साथ में और चलो कार्ड्स खेलते हैं। तो वो ऐसे सब कुछ ऑफरिंग कर रहा होता है, देन वो उसको ये दिखाता है, कहता है तुम्हें पता है मैं अपनी गाय का दूध बेच के पैसे कमाता हूँ, तो 30 कॉर्नर्स जैसे हमारे में रुपये होते हैं ना, तो वहाँ पर करेंसी थी कॉर्नर, तो वो कहते हैं कि आई हैव अर्न 30 कॉर्नर्स, और ये देखो वो जो पाउच है ना, लेदर पाउच वहाँ पे खिड़की के पास टंगा है, मैंने उसी में रख दिए थे, ये तो मेरे को आज सुबह ही मिले थे, अब कल सुबह फिर से जाऊँगा अपनी गाय का दूध बेच के आ जाऊँगा। अब वो आदमी ये चीज़ साफ दिल से उसे बता देता है, बट उसे ये नहीं पता होता कि ये जो रैट ट्रैपर है, पेडलर जो है, वो चोर ही है। वो तो क्या करता था, पार्ट टाइम में चोरियां करता था, और चोर की तो फितरत हो जाती है ना कि उसको कहीं पे भी अगर कुछ ऐसा दिख जाए तो वो मतलब उसके हाथ ही नहीं रुकते कि उसको चोरी करनी ही थी। तो वो उसको बड़ा ही सीधे स्वभाव में बता देता है कि यहाँ पर देखो ये थैली और इसमें मेरे 30 कॉर्नर है, दैट ही हैज अर्न फ्रॉम सेलिंग हिज काउज मिल्क, जो कि मैंने अपनी गाय का जो दूध मैंने आज निकाला था उसको बेच कर मैंने कमाए है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन पेडलर लीव्स, पेडलर जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। फिर क्या होता है, जब वो अगले दिन पेडलर उठता है, उसको बहुत ही बढ़िया सी एकदम सेवा पानी मिला होता है शाम को, तो अगले दिन जब वो उठता है तो वो देखता है कि वो जो ओल्ड मैन है वो ऑलरेडी घर से जा चुका है, क्योंकि उसको तो अपने काम पे जाना था, वो तो अर्ली मॉर्निंग अपनी गाय का दूध निकाल के बेचने जाता था, तो वो तो चला गया होता है। फिर उतने में पेडलर उठता है तो वो सोचता है उसके लिए वो कि चलो मैं भी चला जाता हूँ अपना खाना पीना खाकर, ठीक है, हाय अनुष्का, अपना खाना पीना खाकर मैं भी निकल जाता हूँ। तो वो क्या करता है कि वो वहाँ से निकलता है, थोड़ी दूर जाता है, फिर उसके माइंड में आता है कि यार मतलब होता है ना कि चोर है तो उसने चोरी नहीं करी, तो वो तो उसको बड़ी
अंदर से बातें खा रही थी, तो उसके माइंड में आता है कि वो 30 कॉर्नर्स थे, मुझे चुरा लेने चाहिए, ये तो इतना बूढ़ा आदमी है, इतने पैसों का क्या करेगा। तो वो वहां से वापस आता है, रास्ते से उसके वहां पर वापस जाता है और वहां से वो 30 कॉर्नर्स को उठा लेता है जो कि खिड़की में टंगे होते हैं कांच को तोड़कर। तो वो जब वो उन पैसों को उठाता है, तो अब ऑब्वियसली जब तुम चोरी करते हो ना, और जब तुम किसी ऐसे इंसान के पास से चोरी करते हो जिसने तुम्हारे ऊपर कभी जिंदगी में कोई काइंडनेस की होती है, तो तुम कभी सरवाइव नहीं कर सकते खुशी से। तो क्योंकि उसने एक ऐसे इंसान के यहाँ से, मतलब उसने तो एक दगा किया था, एक चीटिंग करी थी कि जिसने उसको रात को अपने घर में रहने के लिए एक जगह दी, प्लस उसको इतना अच्छा वेलकमिंग वे में उसको अपने घर में रखा, उसने उसी के साथ इतना बुरा किया। तो वो तब भी फिर वो उसको इतना डर लग गया होता है, ऐसा लगता है कि कोई मुझे पकड़ ना ले, तो वो भागता 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 दूर चला जाता है। तो जब वो दूर जाता है तो उसको ऐसी फीलिंग आती है उस जंगल में कि यार मैं ना कहीं रास्ता भटक गया हूँ, क्योंकि वो यहाँ से शुरू करता है, फिर वो घूमता है तो वो फिर से उसी जगह पे आ जाता है, बार बार वो घूम के एक ही जगह पे आ रहा था। तो उस टाइम उसको ये रियलाइजेशन होता है कि अभी तक मैं दुनिया को सोच रहा था कि ये दुनिया एक रैट ट्रैप है जिसमें लोग लग्जरी या लालच, ग्रीडीनेस, किसी भी चीज को देखकर फंस जाते हैं, प्लेजर को देखकर। और मैंने क्या करा, सेम भी तो मेरे साथ हुआ ना, मैंने थोड़े से पैसे के लालच में मैं इतना गंदा फंस गया कि अभी मैं बार बार घूम भी रहा हूं तो मैं तो एक ही जगह पर आकर टिक रहा हूं कि मतलब मेरे पास अब कोई रास्ता ही नहीं है। और वो ना रोड, मतलब ये बात मैं बताना भूल गई, जब वो चोरी करके जाता है तो वो मेन रोड के रास्ते से नहीं जाता, क्योंकि उसे पता था मेन रोड से पुलिस पकड़ लेगी, तो वो जंगल के रास्ते से जाता है और वहां पर वो भटक जाता है। ठीक है, तो वो थक हार के वहीं पर ही बैठ जाता है। इतने में उसको कुछ आवाज आती है, तो उसको लगता है कि शायद यहाँ पर आसपास कुछ ऐसा है जो मेरी हेल्प कर सकता है। वो इधर उधर मुंह करता है, देखता है, ढूंढता है कि कुछ तो हाय प्रभगुन, कि कुछ तो ऐसा मिल जाए कि जो मेरे को मेरी मंजिल तक ले जाए, मतलब मुझे, मैं तो अगर यहीं पर ही रह के इस जंगल में तो मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा। उसको ये फील होने लग जाता है उसको ये फील होने लग जाता है कि मैं इतने फिक्टिशियस सर्कल में फंस गया हूं और अब तो मेरी मौत पक्की है, क्योंकि ये मेरे कर्म ही है कि मैंने उस क्रॉफ्टर के, वो जो इतना अच्छा आदमी था, मैंने उसके यहाँ पर चोरी करी और अब आज भगवान मेरे को उस चीज़ की सजा दे रहे हैं। और देखो कर्मा कितने वो है कि एकदम से वो मेरे को पे बैक कर रहे हैं। इतने में उसको जब कोई आवाज़ आती है ना, तो एक होप ऑफ साइन मिलता है उसको, उसको लगता है कि शायद यहाँ पर कोई है और अब मैं उससे रास्ता पूछ सकता हूँ। तो वो उस आवाज़ को ही, उस साउंड को ही फॉलो करते हुए जाता है, तो वहाँ पर उसको क्या दिखती है, एक आयरन मिल दिखती है। आयरन मिल होती है, लोहा जहाँ पर बनता है ना, उसकी पूरी भट्टी उसको दिखती है। आई रियली लाइक द वे हाउ यू एक्सप्लेन एवरीथिंग, थैंक यू सो मच बेटा। हाँ, तो उसको वहां पर ना उसकी वो भट्टी दिखती है, तो वो सोचता है कि मैं एक काम करता हूँ, अब आज रात तो मैं यहीं पर ही बिता देता हूँ। मतलब इतना, तुम सोचो कितना अजीब है ना आदमी, कि उसके पास कोई घर भी नहीं होता, वो चोरियां कर रहा है और फिर उसको जहां जगह मिल रही है वो वहीं पर ही रह ले रहा है। तो वो सोचता है, अब इतनी ठंड होती है, दिसंबर का महीना है, ऑब्वियसली तो ठंड तो होगी, तो वो सोचता है कि यहाँ पर थोड़ी गर्माहट है, तो वो जो आयरन मिल का मास्टर होता है ना, ये ब्लैक स्मिथ, ये यहाँ पर दिया था ना कैरेक्टर में, मास्टर स्मिथ, तो वो वहाँ पर उसके पास जाता है और उससे थोड़े रिक्वेस्ट करता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगी है और मैं कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊँगा, मैं रास्ता भटक गया हूँ, तो मुझे प्लीज़ यहाँ पर सोने दो। तो वो भी मान जाते हैं कि चल ठीक है। तो वो वहाँ पर अंदर को जाकर, जो फिनरेंस होती है ना, जो भट्टी होती है, वहाँ से बहुत ज़्यादा गर्मी निकल रही होती है, तो वो उस गर्म जगह में जाकर सो जाता है, क्योंकि उसको वार्मथ मिल रही होती है, उसको अच्छी फीलिंग आ रही होती है। ठीक है, तो ये तो अभी मैंने इतना बता दिया, थोड़ा सा अब रीड करते हैं। चलिए, द एनिमी, ठीक है। वैसे मैं ना अनुष्का, मैं सारे ही चैप्टर्स के वो लेक, मैं सारे ही चैप्टर्स की वो क्लासेस लेकर आ रही हूँ, तो द एनिमी की भी आने ही वाली है, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट।
अब तो एग्जाम तक आप लोगों का साथ नहीं छोड़ना है। द नेक्स्ट मॉर्निंग पेडलर वहाँ से लीव करता है, बट देन ही रिटर्न टू स्टील द ओल्ड मैनस मनी। फिर वो वापस आता है और ओल्ड मैन के जो पैसे होते हैं उनको वहाँ से क्या कर लेता है, चुरा लेता है। ही गोज इन टू द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में जाता है डिटेक्शन से बचने के लिए, ठीक है। बट सून फाइंड हिमसेल्फ लॉस्ट, पर वहाँ पर वो खुद को उस पाता है कि भाई मैं खो गया, जो मैंने बताया कि वो बार बार एक ही जगह पर आ रहा था। ही रियलाइज दैट ही हैज बीन कॉट इन द रैट ट्रैप, और वही कि अब उसको अपने ऊपर ही ऐसा लग रहा होता है कि मैं तो दुनिया को सोचकर हंस रहा था और मैं ही रैट ट्रैप के अंदर फंस चुका हूँ। एंड फियर्स दैट ही विल डाई, और उसको ये डर लगने लग जाता, ऑब्वियसली एक जंगल में कोई फंस जाएगा जहाँ पर कुछ नहीं होगा, खाना पीना पेड़ ही पेड़ होंगे, तो ऑब्वियसली यही डर लगेगा कि अब तो मेरी कभी भी मौत मेरे पास ही है। ही टेक्स द पेडलर देन हियर्स अ हैमरिंग, फिर उसको कुछ हैमरिंग हथौड़ों की आवाज़ आती है और उसको लगता है कि शायद वहाँ पर कुछ है, और वो जब पीछा करता है उस आवाज़ के जाता है तो उसको एक आयरन मील दिखती है, आयरन वर्कर्स होते हैं। ही टेक्स शेल्टर देयर बाय वॉर्म्थ फ्यूनरेंस, जो मैंने आपको बोला कि वहाँ पर वो फ्यूनरेंस होती है, वो वहाँ पर वॉर्म्थ फ्यूनरेंस में रहने लग जाता है। मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अपैरेंटिस आर वर्किंग, उसके मास्टर ब्लैक स्मिथ और जो उसके लोग होते हैं वो वहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो चैप्टर का ये वाला जो चैप्टर है ना, आप कह सकते हो इसके दो पहलू है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ये। अभी एक कहानी थी क्रॉफ्टर के साथ, अभी दूसरी कहानी अब आ गई आयरन मास्टर की, ठीक है। तो अभी आप लोग कुछ पूछ रहे हो, जरा एक मिनट दो। ओह दैट्स सो स्वीट ऑफ यू साक्षी, थैंक यू सो मच। आई फील सो गुड कि आप मेरे सारे सेशन देख रहे हैं। हाँ चलिए, द आयरन वर्कर्स आर ओन्ड बाय अ वेल्दी आयरन मास्टर। अब जो आयरन वर्कर्स जो होते हैं उनका मालिक कौन होता है, वो बहुत ही वेल्दी, जो वो बहुत ही अमीर आयरन मास्टर होता है ना, वो होता है। हु फ्रिक्वेंटली विजिट द फॉर्ज, वो बहुत ही, मतलब भाई इतना बड़ा आदमी है, उसने इतने सारे वर्कर्स को वहाँ पर छोड़ रखा है, तो मतलब उसको क्या ही ज़रूरत है वहाँ पर आने की। वो कभी कभी ओकेजनली आता था, और उस दिन देखो क्या हुआ, वो आ भी जाता है उस दिन, तो वो कभी कभी वहाँ पर विजिट करता था। ही कम्स बाय दैट नाइट एंड सीज द पेडलर। अब वो उस दिन रात को सोचता है कि चल यार मैं अपनी मील में जरा देख कर आऊँ क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और वहाँ पर जब वो जाता है तो उसको कौन दिखता है, पेडलर दिखता है, ठीक है। पेडलर कौन था, जो रैट ट्रैप वाला आदमी था। मिस्टेकिंग द पेडलर फॉर एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉम्ब्रेंज कैप्टन वॉन स्केल, द आयरन मास्टर इनवाइट्स हिम टू कम बैक टू हिज मेनोर हाउस एंड स्पेंड क्रिसमस विद हिम एंड हिज डॉटर। अब देखो यहाँ होती है बड़ी अच्छी मजेदार कहानी शुरू। तो क्या होता है ना, जब वहां पर वो आयरन मास्टर आता है ना, तो वो देखता है वहां पर, तो उसको एकदम से उसकी नजर किस पे पड़ती है, पेडलर पे पड़ती है। तो जैसे ही पेडलर पे उसकी नजर पड़ती है, तो क्योंकि पेडलर अभी बहुत ही अनटाइडी सा होता है, उसने बहुत शेबी से क्लोथ पहने होते हैं, उसकी दाढ़ी वगैरह बड़ी हो रही होती है, पूरा फेस ऐसे ब्लैक हो रहा होता है, बिकॉज दो दिन से तो वो दूसरों के घरों पर ही रह रहा था, नहाया भी नहीं होगा, तो ठीक है बहुत ही शेबी लुक में वो होता है। तो वो जब वहां पर जाता है और आयरन मास्टर उसको देखता है, तो आयरन मास्टर को एक गलत फहमी हो जाती है। अब वो गलत फहमी क्या होती है, उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा ना पुराना दोस्त है, और वो पुराना दोस्त कौन है, कैप्टन वॉन स्टेल। तो उसको लगता है कि यार मेरा इतना अच्छा दोस्त इतनी बुरी हालत में है, तो वो बोलता है उसको कि तुम मेरे साथ चलो, और मतलब वो उससे ना क्वेश्चन भी नहीं करता, वो खुद ही ये प्रेडिक्ट कर लेता है कि ये मेरा पुराना दोस्त है। और वो क्या करता है, उससे बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता कि तुम कौन हो क्या नहीं, और उसको सीधा इनवाइट कर लेता है कि मेरे साथ मेरे घर चलो और हम लोग साथ में क्रिसमस मनाएंगे, मैं तुम और मेरी बेटी एडला, ठीक है। तो अब ये भी डर गया होता है, तो ये इतने पहले कुछ बोले तो ये मना कर रहा होता है, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, ये है वो है। तो आयरन मास्टर को बुरा लगता है कि यार ये इतना ज़्यादा मना क्यों कर रहा है, मतलब मेरा दोस्त है इतनी बुरी हालत में है, इतने टाइम बाद मुझे मिला है, तो आई वॉन्ट कि ये मेरे साथ चले। तो वो उसको ये बात बिल्कुल भी ना अच्छी नहीं लग रही होती है। द आयरन मास्टर इनवाइट्स हिम क्रिसमस मनाओ,
थो द पेडलर फर्स्ट प्रिटेंड टू बी वॉन्स टेल, तो पेडलर भी अब डर के मारे, अब पता है उसको कि अगर मैंने सच बोला तो कहीं मेरी चोरी की न्यूज यहाँ पर ना पता लग जाए, तो वो बोलता है कि हाँ मैं तो वॉन्स टेल ही हूँ। ही डिक्लाइन आयरन मास्टर इन्विटेशन, वो आयरन मास्टर को मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं इसके घर गया और मेरे जो चुराए हुए पैसे है इसने कहीं भी देख लिए तो मेरे को तो ये सीधा पुलिस के हवाले कर देगा और आई डोंट वॉन्ट टू गो अंडर द बार्स, मैं जेल में मैं नहीं सड़ सकता अभी अपनी जिंदगी में, ठीक है। द आयरन मास्टर रेलुकेंटली लीव्स, आयरन मास्टर जो होता है वो थोड़ा मतलब रेलुकेंटली थोड़ा सा उसको बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद एक बहुत ही सुंदर सी लड़की वहां पर आती है और इन अ वेरी स्वीट टोन वो बोलती है रैट ट्रैपर को कि तुम मेरे साथ चलो और मेरे माय फादर वांट यू टू कम एट आर हाउस ऑन क्रिसमस और हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे क्रिसमस। तो कहीं ना कहीं वो लड़की इतनी स्वीट होती है कि वो उसको मना नहीं कर पाता है। शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी हम्बल, बहुत ही प्यार से इन अ वेरी वाइज टोन वो बोलती है। उस लड़की का नाम क्या होता है, एडला एडला विल्मस्टोन अराइव्स एट द फॉर्ज, वो फॉर्ज पे आती है सेंड बाय हर फादर। अब बेटी को किसने भेजा होता है, पापा ने ही तो भेजा होता है कि बेटा मेरी बात तो मेरा दोस्त मान नहीं रहा, तू ही मना ले, प्लीज मना ले, और अगर ये आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मेरे को तो बहुत गंदी फीलिंग आ रही है कि मेरा दोस्त इतनी बुरी हालत में, कैप्टन हुआ करता था, हाय हरगुन, ठीक है, तो कि भाई मेरा दोस्त अच्छा खासा कैप्टन हुआ करता था और अब तो देखो बेचारा, मतलब इसकी मेरे को तो इतनी शैबी सी हालत देख के इतना दुख होता है। तो अपनी बेटी से रिक्वेस्ट करता है कि जैसे तैसे तुम उसको मना के लाओ। शी नोट्स दैट द मेन लुक अफ्रेड, तो जब वो आती है ना तो वो बेटी ना बड़ी समझदार होती है, तो वो जैसे ही पेडलर को देखती है तो पेडलर को देखकर वो ये अंदाजा लगा लेती कि थोड़ा सा डरा हुआ है। और जब वो उससे भी ज्यादा उसकी समझदारी क्या होती है, वो ये तो पता लगा लेती कि डरा हुआ है, उसको ये भी अंदाजा हो जाता है कि डर के साथ साथ ना ये कुछ छुपा रहा है, कोई ऐसा पास्ट का इवेंट है जो कि ये छुपा रहा है, जो इसने क्राइम किया है। पर वो तब भी उसको कहीं पे भी ऐसा फील नहीं करवाती, वो उसको बहुत ही काइंड तरीके से उसके साथ बिहेव करती है, एश्योर करती है कि ही कैन लीव फ्रीली वेन एवर ही वॉन्ट्स। तो वो कहती है कि मेरे कहने पर, मेरी रिक्वेस्ट पर तुम मेरे साथ आज चल लो, बस आज रात को तुम हमारे साथ क्रिसमस मना लेना और कल सुबह होते ही जब तुम्हारा मन करे तुम अपने घर चले जाना, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, ठीक है। तो वो उसको फिर कहीं ना कहीं सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है कि चलो ठीक है मैं कभी भी यहाँ से जा सकता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो पेडलर जो होता है कहीं ना कहीं वो एग्री कर जाता है उस लड़की की बात से, वो कहता है कि चलो ठीक है एडला मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तो वो उसके साथ जाता है गाड़ी में बैठकर उनके घर पर, ठीक है। अब जब वो उनके घर पर जाता है तो बेटा क्वेश्चन आंसर से पहले मेरा थोड़ा चैप्टर रह गया तो पहले मैं वो बताऊंगी, ठीक है। जब वो उनके घर पर जाता है तो वहां पर जाकर क्या होता है कि आयरन मास्टर जो होता है बड़ा खुश होता है कि भाई मेरा दोस्त आया है। वो एकदम मस्त अपने सारे सर्वेंट्स को बुलाता है, उनको कहता है कि ये कैप्टन वॉन है, इसको अच्छे से, इसके कपड़े देखो कितने गंदे हो रहे हैं और देयर इज़ अ सूट, ये न्यू सूट है, ये पहनेंगे, इसको जाओ ग्रूम करके लाओ पूरा, इसकी दाढ़ी वाड़ी क्लियर करो, नहाएगा धोएगा एकदम, मतलब इसको हैंडसम बना के लाओ क्योंकि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हम लोग साथ में डिनर करेंगे। तो सर्वेंट्स बिल्कुल फॉलो करते हैं अपने मास्टर के ऑर्डर को, तो सर्वेंट्स उसको लेकर जाते हैं और वो उसको लेकर जाते हैं तो वो उसको साफ सुथरा करके ग्रूम करके लाते हैं। तो जैसे ही वो आता है दाढ़ी वाड़ी काट के, तो वो अपने असली रूप में आ गया होता है बिकॉज रात के अंधेरे में दाढ़ी में पता नहीं लग रहा होता। बट वेन ही कम्स इन टू द सूट एकदम जेंटलमैन बन के, तो वहीं पर ही आयरन मास्टर का दिमाग खराब हो जाता है, वो डिनर टेबल पे से वहीं से उठ जाता है और कहता है तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम तो मेरे दोस्त कैप्टन हो ही नहीं। अब पेडलर भी डर जाता है तो वो उसको ऐसे सीधा बोलता है कि तुम यहां से खड़े हो और निकलो और मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर रहा हूं। तो पेडलर और ज्यादा डर जाता है कि यहां तो अब मेरी चोरी भी पकड़ी जाएगी। तो इतने में एडला जो होती है उसकी बेटी, शी टेक्स द मूव, बहुत समझदार होती है, तो वो क्या बोलती है, वो कहती है डियर फादर ही हैवंट स्पीक समथिंग, हमने उसको इनवाइट किया, वो तो पहले ही मना कर रहा था,
बट हमने उसको इतना फोर्सफुली इनवाइट किया कि वो डर के मारे मना नहीं कर पाया और वो आ गया हमारे साथ। और आज क्रिसमस ईव है और क्रिसमस ईव पर तो घर पर कोई भी आता है तो हमारे को उसे रिस्पेक्टफुल तरीके से खाना खिलाना चाहिए, पार्टी देनी चाहिए। और ये हमारे एथिक्स नहीं कहते कि मैं उसे डिसरिस्पेक्टफुल वे से यहाँ से भेज दूँ, है ना। तो वो बिल्कुल ही मना कर देती है। तो उसके जो पापा होते हैं वो गुस्सा करते हैं, वो कहते हैं तुम्हें मुझसे ज़्यादा भरोसा इस आदमी पर है, तुम इसको प्रोटेक्ट कर रही हो रेदर मेरी साइड लेने से। तो वो कहती है आई एम नॉट प्रोटेक्टिंग एनी वन, मैं जस्ट सच बोल रही हूँ यहाँ पर। तो कहती है पापा मेरे कहने से बस आज रात अब इसको यहाँ रहने दो, बिकॉज हमने इसको इन्वाइट किया, इसकी यहाँ पर बिल्कुल भी गलती नहीं है। तो जो पेडलर होता है ना उसका जो दिल होता है वो कहीं ना कहीं उसको बहुत काइंड फील होने लग जाता है, उसको लगता है कि मैंने फिर उसको अपनी सारी चीज़ें याद आ जाती है कि मैंने कितना बुरा किया, मैंने कल चोरी करी, फिर मैं ऐसे यहाँ पर झूठ बोल के आ गया, मतलब मैं तो रैट ट्रैप में फंसता ही चला जा रहा हूँ। होता है ना आप एक बार एक ट्रैप में फंस जाओ तो फिर आप उस ट्रैप से निकल नहीं पाते हो, तो वो उस ट्रैप में फंसता ही चला जाता है। तो डिनर विनर करता है, सो जाता है, सुबह उठता है, तो सुबह वो लोग क्रिसमस होता है तो उस वो एडला और उसके जो पापा होते हैं वो चर्च चले जाते हैं। इतने में आयरन पेडलर जो होता है वो सोचता है कि अब मेरे लिए बेटर है मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो वो उसको लगता है कि यार मेरे को एक चीज़ करनी चाहिए। वो वहाँ पर एक रैट ट्रैप, एक छोटा सा रैट ट्रैप, उसके अंदर एक लेटर और 30 कॉर्नर्स को रख के जाता है और फॉर डियर एडला, एडला के लिए। और एडला के लिए वो लेटर लिखता है कि आई वॉज अ वेरी इनह्यूमन पर्सन जिसने हमेशा से गलत किया है, और तुम एक ऐसी इंसान थी जिसे शायद डे वन पर ये पता लग गया था कि मैं कोई अनजान हूँ, बट स्टिल तुमने मेरे को इतने अच्छे वेलकमिंग वे में अपने घर में बुलाया। और मैंने तो उस इंसान के साथ भी दगा किया जिसने मेरे को उस रात को पनाह दी थी जो वो क्रॉफ्टर था, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मेरे वही जो कर्माज है वो यहाँ पर निकले हैं। बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जब कोई तुम्हारे साथ अच्छा करता है तो तुम्हारे जितने भी वो तुम जो भी ये बुरा कर रहे होते हो ना वो सब तुम्हारा वहीं पर ही कवर अप हो जाता है। तो उसको बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है, वो लिख कर जाता है। तो एडला को भी वो लेटर देखकर खुशी होती है कि चलो ड्यू टू माय गुड एक्ट और मैंने किसी को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बना दिया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई थिंक आपको चैप्टर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, मतलब मुझे तो ये पर्सनली स्टोरी बहुत पसंद है और शायद चैप्टर आपको भी पसंद आया होगा। तो चलिए मूव करते हैं अब इसके क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो है मैंने इस वाले चैप्टर की, जो मेरी कल क्लास हुई थी आपने देखा होगा कि उसमें मैं चैप्टर के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन लाई थी, अभी मैं इस वाली क्लास में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं लाई हूँ, मैं नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन लाई हूँ आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और फिर इन कमिंग सेशंस एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी इसके आने वाले हैं। चलिए डिस्क्राइब हाउ द स्टोरी द रैट ट्रैप, कि कैसे जो रैट ट्रैप स्टोरी है वो एक बेसिक ह्यूमन गुडनेस को दिखाती है जो कि अंडरस्टैंडिंग से आती है। ये सच्चाई है कि जब कोई बुरा इंसान होता है ना और आप उसके साथ Why was Abdla happy to see the gift left by the peddler? वो इसलिए खुश होती है because she thought के I have transformed someone, के मेरी good deed की वजह से मैंने किसी के दिल को transform कर दिया। और देखो इस दुनिया में इतनी ज़्यादा बुराइयाँ होती है ना कि वो जो पेडलर होता है वो हमेशा ही दुनिया को ना एक नेगेटिव प्रस्पेक्टिव से देखता था। बट जब क्यों नेगेटिव प्रस्पेक्टिव से देखता था, क्योंकि वो जब भी कहीं पे भी जाता था तो लोग उसके साथ इनह्यूमन एक्ट करते थे, उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे, जिस वजह से कहीं ना कहीं उसके खुद के अंदर की ह्यूमैनिटी भी ख़त्म होती जा रही थी। पर जब उसको एक ऐसा इंसान मिलता है, मतलब एडला की बात मैं कर रही हूँ, जो उसको काइंडनेस से उसके साथ बिहेव करती है, उसको समझने की कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं वो जो उसका हर्ट था वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कि उसको ये लगने लग जाता है, उसको रियलाइजेशन भी हो जाता है। तो एडला को ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ओके अनुष्का, चलिए
द थीम ऑफ द स्टोरी, जो थीम थी स्टोरी की रैट ट्रैप, इज दैट मोस्ट ह्यूमन बींग आर प्रॉन टू फॉल इन टू द ट्रैप ऑफ मटीरियल गेन, कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो मटीरियल गेन के अंदर चले जाते हैं चीज़ों में। हाउएवर लव एंड अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो ट्रांसफॉर्म करती है एक इंसान को और उसके असेंशियल ह्यूमन गुडनेस को लाती है। अभी मैं हमेशा मान लो गुस्से में रहती हूँ, पर कोई मुझसे प्यार से बात करेगा दो बार तो फिर तो मैं भी, मेरे अंदर भी ट्रांसफॉर्म आएगा ना। तो लव और अंडरस्टैंडिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी क्रूअल इंसान को भी बदल सकती है। पेडलर जो है उसको कभी भी किसी ने ऐसा ट्रीट नहीं किया था, हमेशा इस दुनिया ने उसको क्रुएलिटी से ट्रीट किया था। सो इवन थो ओल्ड क्रॉफ्टर जो उसके लिए काइंड था और हॉस्पिटेबल था, उसने उसको भी बिट्रे किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके माइंड में यह आता था कि सब दुनिया ऐसी है, सब मतलब ही है, ठीक है। तो उसने उसके साथ भी बुरा किया, उसके 30 कॉर्नर्स को चुरा लिया। ही वॉज नॉट इम्प्रेस्ड बाय द आयरन मास्टर, उसको कोई आयरन मास्टर ने अपने यहाँ पर उसको इन्वाइट किया क्रिसमस के लिए, तो वो उस चीज़ के लिए भी इतना कोई इम्प्रेस नहीं होता है, कोई इतना ज़्यादा उसको कोई खास इम्प्रेस नहीं होती है। You are the best explanation, ma'am. Love you, ma'am. Thank you, Anushka. Lots of love to you. But Edla Wilmson's compassion and understanding, पर जो Edla Wilmson थी उसका जो compassion और understanding थी वो उसके अंदर एक transformation करती है, उसके nature में एक बहुत अच्छा transformation कर देती है। Her human quality helped in raising him to be a gentleman. उसकी ये जो human quality थी कि होता है ना, इंसान है, जब तुम देखो एक जानवर को भी जब हम प्यार करते हैं तो वो हमें कितना प्यार करता है ना वापस, तो ये तो एक इंसान है, एक ऐसा क्रिएचर है जो गॉड ने बनाया ही इसलिए है। तो वही है कि जब आप ह्यूमन के साथ ह्यूमन एक्ट करोगे ना तो वो तुम्हारे को बहुत सब कुछ पे बैक करेगा। तो जब Edla ने उसके साथ ह्यूमनली एक्ट करी तो वो भी एक जेंटलमैन की तरह उधर बिहेव कर रहा था। ही वॉज ईजिली एबल टू ओवरकम पिटी टेम्पटेशन। अब उसको ये पता लग गया कि यार ये छोटी मोटी चोरी है, उसे जिंदगी नहीं चलती है, तभी तो वो 30 कॉर्नर भी वापस दे गया था ना, ठीक है। द पेडलर हु ऑलवेज कंसीडर्ड द होल्ड वर्ल्ड, जिस पेडलर को हमेशा लगता था ये पूरी दुनिया रेड ट्रैप है, फाइनली वो उससे रिलीज हो गया था क्योंकि उसको कहीं से सिंपैथी मिली थी, काइंडनेस मिली थी, लव मिला था और एक जेनरस ट्रीटमेंट मिला था Edla द्वारा, ठीक है। दैट वॉज एबल टू ब्रिंग हिम आउट ऑफ द बेसिक गुडनेस, जो कि उसकी बेसिक ह्यूमन गुडनेस को बाहर लाता है। मान लो Edla के पापा जब उसको डांट रहे थे पेडलर को, तो मान लो उस टाइम ही Edla भी ऐसा बिहेव करती कि हाँ पापा मैंने भी इसको कहा था, इसने तो मुझे बताया नहीं, तो वो चीज़ अजीब लगती। बट Edla ने अपने पापा से क्या बोला कि नहीं ये हमारी गलती है, हमने उसको इनवाइट किया है और इफ़ वी इनवाइट समवन तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसको हॉस्पिटेबल नेचर एक वो प्रोवाइड करें। बेटा मेरे को ऐसे लग रहा है ना, मैं चैप्टर पढ़ाते वक्त आज कुछ ज़्यादा ही इमोशंस में चली गई और हमारी क्लास ना थोड़ी ज़्यादा ही चली गई है और हमारे पास अभी एक पोएम भी रहती है, तो अब क्या करेंगे ना, अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है। गिव एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टोरी, आपको स्टोरी से एग्जाम्पल देना था। रैट ट्रैप टू शो हाउ आयरन मास्टर जो था वो अपनी डॉटर से डिफरेंट था। आपने वहां पर दो कैरेक्टर देखे, एक फादर था आयरन मास्टर और एक उसकी डॉटर थी Edla, डॉटर Edla और ये आयरन मास्टर। उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था, डिफरेंस ऑफ कैरेक्टर क्या था उन दोनों का, तो देखिए वो ये था। द कैरेक्टर ऑफ Edla Wilmson एंड दैट ऑफ आयरन मास्टर आर इन स्टार्क कॉन्ट्रैक्ट टू ईच अदर। दोनों के जो कैरेक्टर थे वो बिल्कुल ही डिफरेंट थे डिस्पाइट बींग यंग। देखो Edla चाहे छोटी थी, यंग थी, बट वो बेटर अंडरस्टैंडिंग करती थी चीज़ों की, बहुत ज़्यादा मेच्योर माइंड सेट था उसका, सेंस ऑफ मेच्योरिटी थी उसके फादर से ज़्यादा, और वो चीज़ों को लेकर इम्पल्सिव बिहेव नहीं करती थी। कुछ बच्चों को इम्पल्सिव का मतलब नहीं पता होगा, इम्पल्सिव का मतलब होता है एकदम से। जैसे मान लो मेरे साथ किसी ने मेरे को बुरा बोला तो मैं एकदम से अगर वहाँ पर रिएक्ट करूँ, तू भी बुरा, तू मेरे को ऐसे कैसे बोल सकता, तो वो होता है इम्पल्सिव बिहेवियर। वहीं पर ही अगर मैं काम रह जाऊँ, मैं शांत हो जाऊँ कि जस्ट इग्नोर करूँ उस चीज़ को, थोड़ा एनालाइज करूँ कि कोई बात नहीं, अगर सामने वाला बुरा बोल रहा है तो आई डोंट रिएक्ट ऑन दैट, तो वो इम्पल्सिव नहीं होता। तो वो उसके पापा ने क्या किया, Edla के फादर ने वहीं पर ही पेडलर के ऊपर पहले तो इतने अच्छे से वेलकमिंग वे में बुलाया, उसकी शक्ल देखते इतना इम्पल्सिव बिहेवियर किया नहीं, तो उसको थोड़ा सब्र करना चाहिए था ना, उसने तो वहीं पर ही उसको बेइज्जत कर दिया, ठीक है। कैजुअली ही जम्प्स टू कंक्लूजन, वो मतलब बिना सोचे एकदम से उसको बोल दिया मेरे घर से बाहर निकल जाओ, ठीक है। फर्स्ट ही मिस्टेक द पेडलर, पहले तो उन्होंने ही मिस्टेक करी कि उसको एक ओल्ड रेजिमेंट कमांड समझ लिया बिना कन्फर्मेशन के, इंस्टेंटली, मतलब ये भी नहीं पूछा पहले उससे ढंग से कि तू वही दोस्त है मेरा, एकदम से खुद ही उसको पहले अपने घर पर इन्वाइट कर लिया। फिर
On releasing his mistake, he refers to the matter of Shreve Thorsley. Edla on the other hand, और वहीं पर ही एडला ने क्या किया? एक mean sense of observation दिखाया. उसने पहले उसको judge किया that her guest जो है वो एक tramp है and has a sympathetic attitude towards him. पर तब भी उसके towards एक अच्छा sympathetic attitude रखा. She pursued her father to allow the guest. उसने अपने पापा को मनाया कि भाई हमारे एक चाहे कुछ भी है, आज रात के लिए हमारा गेस्ट है और हमारे को इसको अपने घर में जगह देनी पड़ेगी. लीड्स हिम कॉन्ट्रैक्चुअली टू द डाइनिंग टेबल. वो उसको डाइनिंग टेबल पे लाती है, उसको अपने पापा का बुरा भला कहने पे के बावजूद उसको अच्छे से खाना देती है. ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ हर कंपेशन और जेनरस उसकी वजह से पेडलर जो है वो हर्ट ऑफ चेंज ऑफ हर्ट उसका हो जाता है और डिसऑनेस्टी से वो अपने आप को हटा लेता है और वो जो वो 30 corners होते हैं उसको भी कहीं ना कहीं वापस दे जाता है. ठीक है, नेक्स्ट डिस्क्राइब द पेडलर्स इंट्रैक्शन विद द आयरन मास्टर डॉटर. पेडलर की इंट्रैक्शन बतानी है आयरन मास्टर की डॉटर के साथ. व्हाट एक्सटेंट वाज ही इन्फ्लुएंस्ड बाय हर. तो वो किस एक्सटेंट तक उसकी डॉटर से इम्प्रेस हो गया था. तो देखिए, द पेडलर फर्स्ट मीट एडला. जो पेडलर था वो एडला से मिलता है आयरन मास्टर डॉटर से. कहाँ पर? फादर इंस्टेंस मतलब पापा के कहने पर. उसके पापा उसको फोर्स करते हैं तो वो उससे मिलता है. शी कम्स हिम टू इनवाइट. वो उसको मेनोर हाउस में इनवाइट करने आती है क्रिसमस के लिए. ही वॉज सो टच्ड बाय द सिंसैरिटी इन हर वॉइस. उसकी वॉइस इतनी, जब आप NCERT में एक बार वो लाइन पढ़ना, आई थिंक 3rd या 4th page पर है, स्टार्टिंग में ही है कि एक बड़ी सुंदर सी लड़की आती है, उसकी बहुत ही जेनरस सी वॉइस होती है, तो वो उसकी वॉइस से ही बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है. ठीक है, that he could not refuse her invitation. वो उसका invitation भी बना नहीं कर पाता. Later she comes to know of peddler's real identity. और फिर उसको उसकी identity के बारे में भी पता लग जाता है. But it does not change her warmth. पर ऐसा नहीं है कि अब ऐसा थोड़ी होता है तुम्हारा कोई अपना है तो तुम सिर्फ तभी उसे sympathy दिखाओ. देखो यहाँ पर इंसानियत की बात है कि तुम कैसे इंसान हो, कि तुम लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करो. सिर्फ हमेशा ये नहीं होता कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है या इसको मैं जानता हूँ तो सिर्फ मैं इसके साथ अच्छा बिहेव करूँगा. हम वी ऑल आर ह्यूमन और हमें ह्यूमन काइंड क्या है कि हम लोग सब एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेवियर करें. तो ये फैक्ट जानने के बाद कि वो एक अननोन है, उसने अपनी जो एक फ्रेंडलीनेस थी, वॉर्म थी, हॉस्पिटैलिटी वो थी, वो चेंज नहीं करी. शी कॉन्टिन्यूज टू ट्रीट हिम लाइक अ, वो तब भी उसको कैप्टन की तरह ट्रीट करती रही. एंड द पैडलर क्वाइट स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ रियल कैप्टन. और कैप्टन भी जो पैडलर था वो भी वैसा ही बिहेव कर रहा था थ्रू आउटली. ही लीव्स अ रैट ट्रैप एज अ क्रिसमस गिफ्ट. वो उसके लिए क्रिसमस गिफ्ट पे के लिए रैट ट्रैप लेके जाता है. कहता है कि मेरे पास इतना कुछ खास तो है नहीं, तो मैं आपके लिए एक रैट ट्रैप ही लेकर जा रहा हूँ. ज्योति, ऐसी कोई न्यूज़ तो नहीं आ रही और आप चैनल पे अपडेट फॉलो करते रहो. ऐसा कुछ भी आएगा तो सर विल इन्फॉर्म यू. ही लीव्स बिहाइंड द स्टोलन मनी टू बी रिस्टोर्ड टू हिज राइटफुल ओनर. वो कहते हैं कि जो उसके स्टोलन मनी है वो उसमें लिखता है कि ये मैं चाहता हूँ कि उसके ओनर तक ही पहुँच जाए. ठीक है, दस रिडीमनेस रेडीनेस की वो जो उसकी डिसऑनेस्टी थी वो एडला विल्मस्टन की वजह से कहीं ना कहीं चेंज हो गई थी. हाउ डज पेडलर रिस्पॉन्ड टू हॉस्पिटैलिटी शोन बाय क्रॉफ्टर. क्रॉफ्टर जो उसको हॉस्पिटैलिटी शो करता है उसके ऊपर वो कैसे वो करता है बिहेव. पेडलर जो होता है वो उसको बिट्रे करता है ऑब्वियसली, बहुत ज़्यादा उसको, मतलब उसके लिए तो उसने धोखा ही दिया था. एक डार्क इवनिंग व्हेन पेडलर वॉज वॉकिंग अलोंग, जब पेडलर जो था वो रोड पर जब वॉक कर रहा था, ही नॉक्ड ऑन द डोर. वो कॉटेज की डोर को नॉक करता है, सीक शेल्टर फॉर द नाइट. वो कहता है आज रात के लिए मुझे पनाह दे दो. टू हिज सरप्राइज उसको वेलकम किया जाता है और खाना वाना दिया जाता है, बाको दिया जाता है, बट स्टिल वो उसको बहुत ज़्यादा बिट्रे कर देता है. तो वो मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था. यू कैन सी द लैंग्वेज. तो चलिए, इसी के साथ बेटा ख़त्म होता है ये वाला चैप्टर. तो आई होप आप लोगों को ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. जिस जिसको भी क्लियर हुआ तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए. ज्योति, आपके लिए आपको लिंक मिला हुआ है, आप ऐप डाउनलोड कर लो. ऐप में आपको कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन आएगा, आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो. वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी इस चीज़ के रिगार्डिंग और भी जो भी बेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो दे देगी. इट्स टोटली वो आप वहाँ से पता कर सकते हो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता ही है अब पोएम. आर यू ऑल रेडी फॉर द पोएम पार्ट? तो
बेटा अब आती है पोयम, जो हमारी पोयम है उसका नाम है द रोड साइड स्टैंड। ये जो रोड साइड स्टैंड पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है ये, और इसमें इन्होंने कुछ जो पुअर स्लम एरिया के बच्चे हैं उनकी लाइफ के बारे में बताया है कि वो कैसे लाइफ में काफ़ी सारी रिसोर्सेज से, काफ़ी सारी चीज़ों से डिप्राइव रह जाते हैं। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ हाईली अक्लेम्ड अमेरिकन पोएट ऑफ 20th सेंचुरी के। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो कैरेक्टर्स के बारे में लिखते थे, पीपल के बारे में लिखते थे और लैंडस्केप के बारे में लिखते थे। हिज पोयम आर कंसर्न विद ह्यूमन ट्रेजिडीज, जो उनकी पोयम होती थी उसमें ह्यूमन ट्रेजिडीज, फियर्स, रिएक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ एंड अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ बर्डन्स के ऊपर थी, कि कैसे लाइफ में जो दुख है इन सब चीज़ों के ऊपर उनकी जो पोयम्स होती थी वो होती थी। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन द स्नोई इवनिंग, ब्रिचेज, मेंडिंग वॉल्स, ये सारी पोएम्स के नाम है। इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड फोर्स जो है वो लाइफ ऑफ पुअर डिप्राइव पीपल के बारे में बताते हैं। पिटलनेस क्लैरिटी एंड विद डीपेस्ट सिम्फेथी ऑफ ह्यूमैनिटी, और वो ह्यूमैनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा सिम्फेथी को इसके अंदर शो कर रहे हैं कि सबके साथ ह्यूमैनिटी होनी चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए तो पोयम स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। एक सेकंड देना। पोयम स्टार्ट करेंगे तो चलिए बताइए, आर यू ऑल रेडी, और किस किस ने पोयम पहले पढ़ी हुई है वो भी बताइए। चलिए बताइए, किस किसने पोयम पहले पढ़ी हुई है। हाँ जी, तो ये पोयम स्टार्ट कर देते हैं, लेट्स स्टार्ट। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद द लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड वाइटरिंग फेल। देखो, एक लिटिल ओल्ड हाउस जो था, ओल्ड न्यू शेड, जिसमें बहुत छोट ऐसे उसकी छत जो थी वो बिल्कुल ही ओल्ड शेड था, लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, रोड के बिल्कुल जैसे कि हाईवे होता है ना, हाईवे के बिल्कुल इधर ऐसे एक वो शॉप सी थी। पैथेटिकली प्लेड इट वुड नॉट बी फेयर टू सेव फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, मतलब जैसे ये उन लोगों की बात की गई है जो कि हाईवे पर अपनी छोटी सी दुकान लगा कर बैठते हैं किसी भी चीज़ की, फॉर सम प्लेंटी ऑफ मनी, कि हमारे को कुछ तो पैसे मिल जाए ताकि हम अपना आज का दिन चला ले। ठीक है, बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विंटर फेल्ड, कि कुछ मनी के लिए वो ये सारे काम कर रहे थे बट आज भी लोग वहाँ पर रुकना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा घर था जो कि कहाँ पर था, आउटसाइड द रोड बना हुआ था, मतलब आउटसाइड द रोड कहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर आपको बोला गया है जहाँ पर हाईवे की साइड पर, और कह रहे कि जहाँ पर कार्स व्हीकल्स जो थे मूव करते थे, ये जो शेड था वो एकदम ही पुराना सा था और यहाँ पर कुछ लोगों की ऐसी दुकान थी जो बहुत सारी चीज़ें सेल करते थे, और फॉर जस्ट अ पीस ऑफ ब्रेड, मतलब छोटे से पैसों के लिए, थोड़े से खाने के लिए वो अपना पूरा दिन वहाँ पर लगाते थे, और लोग वहाँ पर रुकने को तैयार ही नहीं होते थे क्योंकि गाड़ियाँ जो होती थी वो बहुत ही स्पीड में जाती थी, और बाय गोइंग एवरी कार उनकी एक होप आती थी, जब भी कोई कार वहाँ से पास होती थी तो उनका एक स्पार्किंग होप होती थी कि कोई तो वहाँ पर रुकेगा और आज शायद हमारी थोड़ी सी बिक्री
बिक्री होगी, हमसे सामान खरीदेंगे, ठीक है। बट ऐसा कुछ होता नहीं था, मतलब लोगों को तो जब लोग यहाँ से गुजरते हैं तो लोगों के लिए लैंडस्केप होता था, उनको अच्छा लगता था, हाईवे पे जा रहे हैं, लैंडस्केप है, बड़ी सुंदर जगह है। बट इन लोगों के लिए वो गाड़ियाँ एक होप थी जो उनको रोज़ की ब्रेड दे रही थी, रोज़ का थोड़ा इतना पैसा दे रही थी जिससे वो अपने बच्चों को अपने परिवार को पाल पा रहे थे, ठीक है। The Polish traffic passed with a mind ahead, or if ever aside a moment, then got off sort at the having at the landscape mirrored with the artless paint of signs that with and turn wrong as turn wrong offered for sale wild berries in wooden quarters or cork neck golden। अब क्या होता था, कई बार कुछ गाड़ियां रुकती थी तो उनको लगता था कि शायद आज हमारी बेरीज बिक जाएगी या हमारा सामान बिक जाएगा, बट लोग जस्ट रुकते थे, उनसे पूछते थे कि कहाँ पर जाना है, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, या यहाँ से हाईवे से उधरना है, कौन सा रास्ता पकड़ना है, तो लोग उनसे जस्ट रास्ता पूछते थे। लोग वहाँ पर रुककर सामान लेना नहीं पसंद करते थे, उन वो अपनी कलर्ड वुडन बास्केट लेकर वहाँ पर घूमते थे, बट कुछ भी ऐसा हो नहीं पा रहा था। और क्रॉक नेक गोल्डन स्क्वैश विथ सिल्वर वॉट्स अ ब्यूटीफुल रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, कि वहाँ पर इतना माउंटेन सीन था, सब कुछ इतना ब्यूटीफुल था, बट उन लोगों के लिए तो खाना भी नहीं था। यू हैव मनी बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई कीप योर मनी, तो वो उनके मन में ये आता है कि तुम्हारे पास पैसा है, वो इतना हर्ट होते हैं वो लोग वहाँ पर, उनके मन में आता है कि तुम्हारे पास पैसा है और जब तुम उस पैसे को हम पर नहीं, मतलब किसी गरीब को नहीं दे पा रहे हो, तो वाई यू हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसा क्यों है, तुम उस पैसे का क्या करोगे जब तुम किसी की मदद नहीं कर पा रहे हो। द हर्ट टू द सीनरी वुडेंट बी कंप्लेन, कि जो वो हर्ट एक जो सीनरी थी वो एक कंप्लेंट नहीं थी, सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेट, कि कुछ ऐसी एक सोरोनेस थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो लोग जो थे वो बोल नहीं पा रहे थे, वो लोग अपने अपने दुखों को कहीं ना कहीं प्रकट नहीं कर पा रहे थे किसी भी वे में। वी मेक आर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन द हैंड टू ट्राई इफ इट इज़ नॉट मेक आर बींग स्पेंड, कहते हैं कि अगर ये चीज़ हमारी लाइफ को अच्छी नहीं लग कर सकती, एंड गिव अस लाइफ टू मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टी पावर इज़ टू सेट कीपिंग फ्रॉम अस, कि हमसे तो सारी चीज़ें दूर ली जा रही है, हमसे तो कुछ भी हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। इट इज़ अ न्यूज़ दैट All these pitiful kin are to be brought out and miraculously gathered in to live in villages next to the theatre and the store. कहते हैं कि हम एक ऐसे villages में रहते हैं जहाँ पर कुछ नहीं है, where they want to think of themselves anymore while greedy good doors. के कहते हैं कि जब एक गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है तो हमारे को हमेशा एक होप आती है कि अब तो कोई आएगा, ज़रूर आएगा। बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्री सोम ओवर देयर लाइफ्स एंड फोर्सिंग बेनिफिट दे आर कैलकुलेटेड सो द देम आउट ऑफ देयर विट्स एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे डिस्ट्रॉय दे आर स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे। कहते हैं कि हम पूरा दिन सोते हैं, पूरा दिन सोते हैं, भूख से सोते हैं, रात को भी हम वेट करते हैं कि कोई तो आएगा हमसे सामान लेकर जाएगा, बट मतलब उनके साथ कुछ भी फेयर नहीं हो पा रहा है। कहते हैं कि कई बार मैं ऐसा फील करता हूँ खुद में कि मैं ये जो सारे थॉट्स है इसको अपने दिमाग में झेल नहीं पा रहा हूँ। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, कि सैडनेस जो है दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रीक्स द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार। कहता है ये जो जैसे ही एक गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है उसकी जो साउंड होती है स्टॉप की, ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स, जितनी भी सेल्फिश कार्स है वो सब रुकती है, ठीक है। जस्ट वन ऑफ द इंक्वायरी व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर, वो सिर्फ वहाँ पर ये पूछते हैं अरे ये चीज़ कितने की है, पर कभी वो ये ज़रूरत नहीं करते कि उस चीज़ को खरीद ले, क्योंकि उनके लिए वो जस्ट एक चीज़ है, बट किसी के लिए उनकी ब्रेड बटर है। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली प्लो अप ग्रास इन ह्यूजिंग द यार्ड ऑफ बैक टर्न अराउंड, कहते हैं कुछ लोग वहाँ रुकते हैं बट बैक टर्न लेने के लिए। एंड अनदर टू आस्क, कुछ लोग हमसे रास्ता पूछते हैं। अनदर टू आस्क सेल इट एट अ गलून ऑफ गैस, कुछ लोग कहते हैं कि अरे एक काम करो ना 20 रुपये में सारी चीज़ दे दो, मतलब एकदम ऐसा प्राइस रखते हैं, दैट इज़ सो unfair. No in country money, the country scale of gain, the required lift of spirit has never been found. कहता मुझे कोई ऐसी spirit आज तक नहीं मिली, और so the voice of country seems to be complaining.
कि लोग कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है सिर्फ कंप्लेन करने वाले लोग आते हैं और कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाहता। आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ वुड बी पुट टू दीज पीपल, कि इन लोगों को बिल्कुल रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेम, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। कहते हैं कि मैं ये समझा नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे इस पेन से बिल्कुल अभी निकल सकता हूँ। तो बच्चे ये था ये चैप्टर, मतलब इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि कैसे कुछ छोटी दुकानें होती है रोड साइड पर और वहाँ पर लोगों को हेल्प की ज़रूरत होती है, पर जो कार्स आती है इतने अमीर अमीर लोग होते हैं वो जस्ट ऐसे प्राइस लगाते हैं जो कि बहुत अनफेयर होते हैं, या फिर वो कई बार सिर्फ रास्ता पूछने के लिए आते हैं, उनके लिए वो एक जर्नी होती है। बट जो लोग वहाँ पर सामान बेच रहे हैं वो एक होप लेकर खड़े होते हैं कि आज कोई तो आएगा और हमसे हमारा सामान खरीदेगा। ठीक है, हाँ, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन आया है, सेट दैट लर्क्स बिहाइंड द विंडो रोड साइड स्टैंड। एलिट्रेशन आया, ग्रीडी गॉड जीजी आ गया आपका। ठीक है, बेनिफिशियल बीस्ट, पैथेटिक प्लीड, तो ये सब यहाँ पर एलिट्रेशन आपका आ गया। तो यही से बेटा ये पोयम खत्म होती है। इसके मेरे को एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चन करवाने हैं एंड आई होप यू लाइक द सेशन। आप पहले बताइए आप लोगों को सेशन पसंद आ गया होगा, दोनों चैप्टर्स पोएम्स अच्छे से समझ आ गई होगी। कल आपका मैं नेक्स्ट चैप्टर और पोएम के साथ आने वाली हूँ, तब तक के लिए प्लीज़ क्लास में ऐसे ही बने रहिए। जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमारा सेशन जो है वो ऐसे ही चल रहा है, मैं आपको एक बार फिर से टाइम मेंशन कर देती हूँ जिन भी बच्चों को नहीं पता है। मैं रोज 12 बजे लाइव आ रही हूँ जिसमें हम रीडिंग सेक्शन कर रहे हैं, और फिर मैं 1 से 1:10 से पूरा एक टाइम टेबल है जो कि अभी चल रहा है, और आप लोग इसको पूरी तरीके से फॉलो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में जुड़िए, बिकॉज ये अब आपकी फाइनल बोर्ड्स की तैयारी हो रही है। इसके बाद मैं पेपर से एक दिन पहले, मुझे नहीं लगता कि मैं आप लोगों के सामने कोई ऐसी क्लास लेकर आऊँगी और कहूँगी कि एक दिन में सारी तैयारी, बेटा इट वॉन्ट बी पॉसिबल फॉर अस। ठीक है, बट अभी आपके पास टाइम है, 7 days ही जस्ट लेफ्ट है, तो उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करो। और मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चे, बेटा वो पुराना ज़माना था जब आप बुक को लेकर ऐसे पढ़ पढ़ के रिविजन करते थे, वो टाइम चला गया। पेन पेपर उठाकर प्लीज़ इन राइटिंग प्रैक्टिस करो। अब बहुत टाइम हो गया, इट्स अ हाई टाइम कि अभी तक आपने इंग्लिश को इग्नोर कर लिया। अगर अब आप इंग्लिश को इग्नोर करते हो तो आपकी परसेंटेज ऐसे करके डाउन जाएगी। और बेटा ये चीज़ आप लोग याद रखना, एक सब्जेक्ट ही आपकी परसेंटेज बढ़ा देता और एक ही गिरा देता है। और जब यही चीज़ आपका लैंग्वेज का सब्जेक्ट करेगा ना, तो वो चीज़ बहुत ही बुरी लगेगी। तो उसको तो बिल्कुल मौका ही मत दो और अपनी तैयारी को रखो। मैं आपको रोज़ आपके लिए लाइव आ रही हूँ, तो आप लोग उस क्लास का पूरा पूरा बेनिफिट लीजिए। चलिए, तो मैं आपको मिलूँगी कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।